हेलो दोस्तों, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आई होप क्या सब अच्छे हो गए। मौसम हो चुका है अच्छा, मौसम सुहाना मौसम है, क्योंकि आज बादल है बहुत ज़्यादा। और ये देखिए कितने सुंदर चमकीले बादल लग रहे हैं, और सूर्यदेव यहाँ पर है, कम दिख रहे हैं। और आज पूजा देखिए क्या बना रही है, क्या पकौड़ी बना रही है? पूजा पकौड़ी बना रही है। अरे कड़ी बना रहे हैं, अच्छा कड़ी बना रहे हैं। अच्छा छौंक काट दिया, प्याज होगा लहसुन होगा। मठा कहाँ से लाई? मठा कहाँ से लाई? दही जमाई थी रात। अच्छा रात दही जमाई थी, तो उसका बनाएगी कड़ी। बिलो लिया मठा है दही, तो पकौड़ी डालकर स्पेशल कड़ी। चावल भी? चावल बना रहे हैं। चावल बनाओगे? बस लाल मिर्च कम डाल। पेस्ट बनना शुरू हो चुका कढ़ी का, मट्ठा बेसन। और इसके पकौड़ी बना लिया, तो सब वो पूजा सबसे पहले बनेगी पकौड़ी। तो पकौड़ी तो चूल्हे पर उसे बनाओगे गैस पे? नहीं, चूल्हे पर बनाएंगे पहले। चूल्हे बनाओगे पकौड़ी? अच्छा तुम मछली चूल्हे पर बनाओगे, ठीक है। पहले पकौड़ी बनाएंगे, फिर साथ के साथ तेल में छोड़ दूंगी ना। ठीक है। दो दो सारे पकौड़ी मेरे नाम बना दिए हैं। अच्छा जी, हैं बनाने के लिए खाने का नहीं, इसमें कड़ी में डाल लो। कड़ी में डाल लेगी बस? अच्छा एक दो मुझे दे दिए। बेसन बोल दिया पकौड़ियों के लिए। पकौड़ियों का पेस्ट बन चुका है देखिए, और अभी झीना जला रहे हैं चूल्हे में, तो गोश्त रखे यहाँ पर, तो कढ़िया यहीं पर बनेगी। और पूजा ने जीना भर दिया है, ये इसको सी लगाना है, आग लगानी है इसमें। और जो कढ़ाई उठा लिया है उसे लीपने के लिए चल दिया पूजा। देखिए जीना जल चुका है हमारा, तो पूजा जो है कढ़ाई साफ करके आ रही है। साफ तो रही थी, बस पानी में कंगालना है, तो पानी में अच्छी तरह कंगाल कर साफ करके ला रही है पूजा। तो क्या लगाया इसमें? दिखाइए, गौरे का लेप लगा देखो, इससे क्या हुआ? अच्छा, तो तली खराब ना हो इसके लिए पूजा ने इसके नीचे लेप लगाया मिट्टी का। तो सबसे पहले पकौड़ी बनाओगे, उसके बाद उसके बाद कड़ी चमकेंगे। ड्यूटी पे जाओ कहाँ है? नहीं, कब कब जाओ? कभी पूजा की हेल्प करवा देगा, मतलब कि साथ वीडियो बनवा लेगा। हेल्प तो करते रहे, तो लेकिन उसके साथ वीडियो बना लेगा थोड़ी सी, अपना मोबाइल उठा के। ठीक है, तो आज बना रहे हैं कड़ी। चलो भाई पकौड़ी खाओगा? नहीं, ड्यूटी जाने का, आ जाओ कल या परसों जाऊँगा। तो पकौड़ी के लिए तेल डाल दिया पूजा ने, तो गर्म होने के बाद अपना पकौड़ी शुरू हो जाएगी बननी। अमन ने नाश्ता नहीं करा अब तक, पकौड़ी का नाश्ता करूँगा, ध्यान रखिए। ले ले दो 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 में कुछ होगा, कड़ी में नहीं खाने का। कड़ी की मना कर दिया मुझे, कड़ी की कड़ी में लेने का, मेरे नाम के ना कह दिया। ठीक है, जो मेरा आगे आगे मैं कह नहीं सकता। तो एक पकौड़ी पूजा ने इसमें डाल के रखी है, तेल अभी तेल होया नहीं होया, तो अभी नहीं होया, हल्का ही है अभी। तो एक पकौड़ी उतर गई है, होगा तेल तो है, तो तेल तो देखिए पक चुका है बिल्कुल। तो अब पकौड़ी डालते हैं इसमें।
अच्छी लगी थी बिल्कुल। तो थोड़ी चूल्हे की जो है आँच लगती है, तो पूजा ने देखी हाथ पे बांध लिया ओनी चुन्नी, बस हो जाए ना लाल से ज्यादा हो जा उतार ले तेल नहीं छोड़ के। अब पकौड़ी तो हमारी बन चुकी है, तो अब छोंक लगाना है बढ़िया वाला है पूजा। मेथी कहाँ है? मेथी लहसुन है। मेथी कहाँ है? तो मेथी तो तेल ज़्यादा तेज था हमारा, मेथी सारी चीज़ डाल दी हमने। और पूजा पेस्ट उठा रहा है कड़ी का, छह सात पकौड़ी पर रख दे इसमें। एक मिनट काम चला रहा है तो दादू मैं आपको बिना डालने की सर बाद में तो डालेंगे, बाद में डालेंगे, माँ पहले डाल देगा दी और मेरी बिना बचे। अच्छा ये बाद में डालेगी जब बन गई। अच्छा छोंग लगने के बाद खद्दा लगने के बाद छोड़ लाभ चला। सेंगिल धोती का आज तो रेंजर गगन के लिए रेडी है, वो कोचिंग जाएगा ना लिया अंदर बैठा है। पकौड़ी बन चुकी है, देखिए पकौड़ी बन गई, कड़ी बन गई, कड़ी बन गई, कड़ी बन गई और पकौड़ी डाल चुकी है इसमें। सितंबर को अगस्त क्या था? हाँ अच्छा कल देखी वीडियो, बोल मल्ली कट जा भूल मल्ली कट जा ध्यान नहीं होता। अच्छा जी खद्दा लग चुका कड़ी में, कड़ी खाऊगा हैं देती है कहता हूँ, काम नहीं करता तू बिल्कुल भी, नू कहता थी बुआ खतर वाला था एक बर्तन मांजने सब बुन पूजा क्या थी। रोटी बन गई? चावल चावल दादी बनने बनेगा तू? किन देर लग जाएगी फिर मुझे जाना 10 बज गए तो खाल दे जल्दी, खाल दे रोटी जल्दी, आज मुझे फनागर जाना, मुझे रेडी है बिल्कुल, तो खाना खाकर चलना आज मुझे फनागर विकास भवन में। और देख कड़ी चावल हमारे बन चुके हैं, तो कड़ी ठंडी करने के लिए थाली में रख दिया है और इसमें रोटी हो गई पापा जी की हो गई सब्जी कड़ी। और अब मैं करता हूँ भोजन, तो आप भी कर लीजिए कड़ी चावल का भोजन और पकौड़ी। फिर भी पूजा मेरे आगे देखे कितनी लाई है, मैंने उसको बोला था कि मेरे आगे पकौड़ी मत लाना, लेकिन बहुत सारी लाई पकौड़ी, तो कड़ी में बहुत अच्छी लगती है मुझे पसंद है। और आज का सफर है मुझे फनगर विकास भवन में, सुबह मैं जा रहा हूँ विकास भवन में और मैं पहुँच चुका हूँ विकास भवन, तो यहाँ पर मुझे बहुत ज़रूरी काम है जिसके कारण मैं यहाँ पर आया हूँ आज, तो यहाँ पर मुझे दो शिकायत डालनी है, वो शिकायत देने के लिए आया हूँ यहाँ पर। और जब मेरा कार्य पूरा हो जाएगा आपको ही बताऊँगा जरूर कि इसलिए मैंने शिकायत डाली है और कहीं की शिकायत डाली है। कार्य जो है पूरा हो चुका है, तो अब जाना हुआ कचहरी, कचहरी जाना है डीएम ऑफिस कार्यालय से। यहाँ का कार्य मेरा पूरा हो चुका है, अब मुझे जाना है डीएम कार्यालय
तो वहाँ पर जाता हूँ जिला अधिकारी के पास, और मैं पहुँच चुका DM कार्यालय के पास और अंदर हॉल में बैठा हूँ। DM जी के जिला अधिकारी की वेट कर रहा है, वहाँ पर बैठा है, तो कुछ ही देर में बुला लेंगे और फिर अपना घर चलूँगा। तो आज मैं था कार्यालय जिला अधिकारी, और आज मैं आया हूँ कार्यालय जिला अधिकारी के पास, DM साहब के पास। यहाँ पर मेरा छोटा सा काम था, छोटा नहीं बहुत बड़ा काम था, जिसके कारण मैं आज यहाँ पर आया और मैं DM साहब से मिला हूँ। उन्होंने मेरी शिकायत ले ली है और जल्द ही मेरी शिकायत का निस्तारण हो जाएगा। उन्होंने मुझे पूरा आश्वासन दिया है, और इनसे पहले मैं CDO ऑफिस दे गया था मुख्य विकास अधिकारी को। तो मैं कचहरी में आया मुजफ्फरनगर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं DM साहब का कार्यालय है, यहाँ पर आया था। तो मेरा यहाँ का कार्य पूरा हो चुका है, उससे पहले मैं विकास भवन गया था, विकास भवन का कार्य पूरा हो चुका है। तो अब बस सीधा अपनी ड्यूटी जाना है, ड्यूटी कार्य जो है वो पूरा करना है अपना, चलता हूँ यहाँ से। हेलो दोस्तों, आज है 16 सितंबर, और आज जो है नायरा और नैना का जन्मदिन है। उनके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, उनके जीवन में हमेशा खुशहाली बने रहे, और जिसका भी आज जन्मदिन है उनको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। हेलो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राम राम जी।